Have you ever heard about sandwich generation? Sandwich generation उसको कहते हैं, ऐसी generation होती है जो middle में है। जिस तरह sandwich बनता है ना, तो exactly उस तरह से होती है। उसके ऊपर एक generation होती है, उसके नीचे एक generation है। ऊपर generation उसके parents हैं और नीचे उसके support group से करनी है, उसके children हैं। Now the problem with the sandwich generation is कि उसने अपने अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों की भी देखभाल करनी है और अपने बच्चों की भी परवरिश करनी है, उनके लिए भी अपने रिसोर्सेज रखने हैं। वो रिसोर्सेज पैसों के अमाउंट में भी हैं और अटेंशन की सूरत में भी मौजूद हैं जो उसने देने हैं। तो क्या डिफिकल्टीज है सैंडविच जनरेशन की? शायद हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते या हम समझते नहीं है, कभी हमने सोचा नहीं है कि वो जो लोग स्पेशली किस एज में होते हैं, 40s, 50s और इवन 60s, ये वो जनरेशन है जो इस ऑलमोस्ट इस एज में होती है एंड देयर लाइफ इज नो वेरी वेरी टफ। एक तो उन्होंने उस एज में अपने करियर पे ध्यान देना होता है, अपनी जॉब, अपने बिजनेस पे ध्यान देना होता है। They may have problems, you know, with their family life, with their, children. उनकी उसने देखभाल करनी है, उनके लिए अच्छा स्कूल ढूंढना है, उनको अटेंशन देनी है, उनकी स्टडीज की उनकी परवरिश करनी है और उसके लिए तवज्जो भी देनी है, टाइम भी देना है और फाइनेंसिस भी लगाने हैं, फिर रिसोर्सेज भी चाहिए उसके लिए। दिस इज वन एस्पेक्ट। और दूसरा, उस शख्स ने क्या करना है, उस जनरेशन ने ये करना है कि अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिन्होंने उसको उस लेवल तक पहुंचाया है, उसकी परवरिश की है, स्टडीज तालीम उसको दी है, उसकी शादी की है, उसके लिए सारा कुछ किया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी है, अब उस सैंडविच जनरेशन का काम है कि अब वो भी कुर्बानियां फर्ज दे, वो भी अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, उन इस बात का ख्याल रखें, इस बात को यकीनी बनाए कि उनका बुढ़ापा उनके लिए आसान गुजरे, उनको वो सहूलतें दे जो बूढ़े शख्स को चाहिए होती हैं, उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया की जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि इफ यू आर इन ए सैंडविच जनरेशन, How will you manage your life? It will be difficult. और European countries में और अमेरिका वगैरह में दोनों ने तो हल निकाल लिया है, आसान हल निकाल लिया है कि अपने बड़ों को, बुजुर्गों को, बूढ़ों को ओल्ड एज हाउसेज में भेज देते हैं, उनसे तो जान छुड़ा ली उन्होंने। वो जिन्होंने उनके लिए इतना सब कुछ किया, उनको ही परवरिश की, उनके लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी, उनको उन्होंने ओल्ड एज हाउसेस में भेज दिया और बच्चों को भी हद तक उन्होंने परवरिश करनी है। और उसके बाद जब वो कॉलेज वगैरह में जाते हैं और खासतौर पर कॉलेज के बाद से बच्चों की अपनी जिम्मेदारी है, दे हैव टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेस, उन्होंने अपने पेरेंट्स के घर से निकलना है, अपने लिए मामलात करने, अपनी नौकरी ढूंढनी है, जहाँ चाहे वो रहना है। So, वो भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते, खासतौर पर लॉन्ग टर्म में। शॉर्टली शायद उनको सपोर्ट करें उनके पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से उनको प्रेशर होता है कि यू हैव टू सपोर्ट योरसेल्फ। तो वहाँ पे सैंडविच जनरेशन का प्रॉब्लम शायद वैसा नहीं है जैसा हमारे मुआशरों में है, जहाँ हमने अपने बच्चों को तब तक सपोर्ट करना होता है जब तक वो खुद से आसानी से अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, और उसके बाद भी हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं, उनकी मैरिज के बाद तक भी हम उनको फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट देते हैं। और इसी तरह से हम अपने बुजुर्गों, बूढ़ों को उनकी आखिरी सांस तक हमारी जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी मुआशरती तौर पर भी समझी जाती है कि हमने उनको सपोर्ट करना है और उनके लिए सब कुछ करना है जो एक अच्छे फरमाबरदार बच्चों को करना चाहिए। बट इसी सारे काम में, इस सारी एफर्ट में सैंडविच जनरेशन की अपनी सारी जिंदगी गुजर जाती है और वो
शायद उसको उस तरह से इंजॉय नहीं कर पाते, जी नहीं पाते जैसा वो चाहते हैं। यानी बहुत सारे अपने वक्त, अपने रिसोर्सेज, कुर्बानियां देके गुजर जाता है। तो इस दिन यानी वे कि वो अपनी जिंदगी को बेहतर करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की जरूरी है कि हम इंडिविजुअल तो है लेकिन हम मुआशरे का एक हिस्सा है। सोसाइटी वी आर नथिंग इन ए वे कि हम अपनी वैल्यू भी सोसाइटी से डिराइव करते हैं और हम जब कंट्रीब्यूट कुछ करते हैं तो उससे भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक इंसान के अंदर खुदा ने एक सलाहियत और एक ऐसा यू नो इमोशन रखे हैं अपनी औलाद के लिए। जब भी हम उनके लिए कोई कुर्बानी देते हैं, उनके लिए कोई एफर्ट करते हैं, मेहनत करके उनको सहूलतें देते हैं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, तो हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है। और ये दिस इज वेरी नेचुरल, ताकि ये ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि जो नई नस्ल होती है, जो बच्चे होते हैं, उनकी परवरिश हो सके। अब वालदैन के अंदर वो मोहब्बत रखी गई है, तो इसी तरह से वालदैन के लिए बच्चों के अंदर भी मोहब्बत रखी गई है, उनके उनके जिम्मेदारी दी गई है कि उन्होंने उनके लिए उनके बुढ़ापे में जब उनको ज़रूरत है बड़ों को, बुजुर्गों को सपोर्ट की, तो आपने उनकी सपोर्ट करनी है। और जब हम उनकी सपोर्ट करते हैं तो हमें एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, इत्मीनान मिलता है। तो अगर देखा जाए कि जो हम सैंडविच बने हुए हैं दोनों जनरेशन के बीच में, उसमें हमें कुछ मिल रहा है तो वही रिवार्ड है, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका हमें रिवार्ड भी मिल रहा है सेटिस्फेक्शन की सूरत में, कि हम एक वैल्यूएबल जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं, हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जो जिसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने के लिए, वो जो हमारे लव्ड वंस हैं, वो हमारे बच्चे हों या हमारे पेरेंट्स हों। सो हमारी एफर्ट्स जाया नहीं जा रही, वो बेकार नहीं है बल्कि वो बिल्कुल सही सिमत में, सही डायरेक्शन में लग रही है और उसका रिजल्ट भी अचीव हो रहा है। और वो यानी वो एक्टिविटी जो है वो हमारे लिए बजाते खुद एक इंजॉयमेंट का बायस है। तो अगर ये सोचना, ये कहना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनकी ज़िंदगी गुजर गई, उन्होंने कुछ नहीं किया अपने लिए, यार अपने लिए आपने करना भी क्या था, कितना कुछ करना था। ये जो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर दिया है, दिस इज यू नो वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि वो दुनिया अपनों के लिए हो। क्योंकि सिर्फ इंडिविजुअली सिर्फ अपने लिए सोचना शायद हमें वो खुशी ना दे सके, बहुत कुछ हम अचीव भी कर लें। तो इंडिविजुअली एज ए इंडिविजुअल पर्सन हमें वो सुकून, वो इत्मीनान, वो खुशी जिंदगी में नहीं मिल सकती जो हम लोगों के साथ अपने अपनी अपने आप को, अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, जो हमारे लव्ड वंस हैं, जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। सो दिस इज वन थिंग कि हम जो कुछ दे रहे हैं उसके बदले में हम बहुत कुछ ले भी रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ इमोशनल, नॉट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल थिंग्स। असल में हमारा मसला ये है कि हम हर चीज़ को मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमने सीखा यही है कि हम अगर कुछ डिलीवर कर रहे हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है बदले में। हम समझते हैं कि हमें बदले में हमें कुछ चीज़ मिलेगी, हमें कुछ पैसे मिलेंगे, कोई माल और दौलत मिलेगी। हमें अगर सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज द बिगेस्ट रिवार्ड। उसके अलावा दिस इज द मेजर थिंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा हमें कोई रोक तो नहीं रहा, इस सैंडविच जनरेशन को रोक तो नहीं रहा। अपने आप को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, वी कैन डू थिंग्स फॉर आवरसेल्फ, वी कैन टेक टाइम, वी कैन ऑल्दो वी हैव लिमिटेड टाइम, लेकिन हम टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, अपने सिर्फ इंडिविजुअली अपने लिए निकाल सकते हैं, जो कुछ हम करना चाहते हैं। मे बी यू वॉन्ट टू विजिट सम प्लेसेस, यू लाइक ट्रेवलिंग, या मे बी आपको मूवीज देखने का शौक है, आउटिंग का शौक है, डाइन आउट का शौक है, कोई भी एक्टिविटी है, या आप कोई अपना प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल जॉब के अलावा बुक लिखना चाहते हैं, कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी हॉबी है कोई आपकी, यू कैन डू इट। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, बिकॉज आप
बहुत सारी टेंशन आप अपने दोनों जनरेशन को दे रहे हैं, उसके अलावा भी आप टाइम निकाल सकते हैं। यू हैव टू ब्रिंग इन सम मोर एनर्जीज, अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी एनर्जीज, और अपनी ख्वाहिशात की एक्स्ट्रा ख्वाहिशात, एग्जिस्टिंग ख्वाहिशात, उनकी तकमील के लिए कोशिश कर सकते हैं। बट द अल्टीमेट थिंग इज द पॉइंट ऑफ द ऑल दिस डिस्कशन इज दैट सैंडविच जनरेशन इज, यस वी नो इट इज कंट्रीब्यूटिंग, इट इज, दिस जनरेशन इज यू नो मेकिंग सैक्रीफाइसेस एंड वी एक्नॉलेज इट, और उनके बच्चों को इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, और आगे जाके उनको भी, बच्चों ने बड़े होना है, उनको भी चाहिए आगे सपोर्ट करें अपने पेरेंट्स को जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, तो उनकी यानी इस कंट्रीब्यूशन को समझें और वो अंडरस्टैंड दैट, और हम उस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बट दे आल्सो नीड टू नो, दे आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड एंड द सैंडविच जनरेशन नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट दे आर डूइंग इज इटसेल्फ अ सैटिस्फैक्ट्री थिंग, इटसेल्फ एन अचीवमेंट, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ इट। और मैसेज ये है, साइड डिस्कशन का मैसेज ये है कि जब हम कुछ करते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो हमारे अपने प्यारे ही हों, अपने रिश्तेदार ही क्यों ना, अपने फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, वी आर मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, वी आर गिविंग समथिंग आउट ऑफ आवर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट द यू नो एसेंस ऑफ सैक्रीफाइस, एसेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और दिस शुड बी कंटिन्यूड। और हमारी सोसाइटीज में अगर ये सेक्रीफाइस की ये वाली क्वालिटी बढ़ जाए और बढ़ जाए, यानी हम अपने आप से निकल के, अपने रिश्तेदारों से निकल के, अपने दोस्तों अजीजों पे आके, अपने नेबर्स, अपने यानी इर्द गिर्द के माहौल में अगर हम कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दें किसी भी पॉजिटिव तरीके से, चाहे थोड़ा सा टाइम दे के, थोड़ी सी टेंशन दे के, थोड़े से पैसे दे के, थोड़ा सा किसी की हेल्प करके, इमोशनल हेल्प करके, किसी को एडवाइस दे के, तो हमारी सोसाइटीज डेवलप कर जाएंगी, बढ़ जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। हमारा छोटा सा कंट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है किसी शख्स की लाइफ में, और हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड वी नीड कि हम कंटिन्यूसली जहाँ जहाँ हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी कैपेसिटी में, वी शुड कैरी ऑन दैट कंट्रीब्यूशन, इट विल इम्प्रूव द यू नो आर सोसाइटीज, एंड पर्सनल लेवल पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो अनपैरेलल है, वैसी सेटिस्फेक्शन हमें कोई मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं दे सकती। सो वी नीड टू बी मोर यू नो इन ए वे कि सेक्रीफाइस करें, थोड़ा सा सोसाइटीज में कंट्रीब्यूशन दें, ताकि हम उस जिंदगी में जो हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं कुछ इम्पैक्ट करके जाए, पॉजिटिवली दुनिया को इम्पैक्ट कर जाए, ताकि हमारी लिगेसी हमारे बाद भी कायम रहे। उम्मीद है आपको इस वीडियो में कोई एक बात जरूर पसंद आई होगी, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर लेते। वीडियो के नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को एक दफा दबा दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिनको देख के आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाते रहें।